हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड का। चैप्टर थर्ड में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ड्रिफ्ट स्पीड, इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। और ड्रिफ्ट स्पीड की हेल्प से हम कैसे ओम्स लॉ को डेरिवेट कर सकते हैं, आज हम वो भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना। ठीक है, जैसे मान लिया कि यहाँ पर कोई ये कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर हमने लिया है, तो इस कंडक्टिंग वायर का एरिया जो है वो ए मान लिया और इसकी लेंथ को हमने एल मान लिया। ठीक है, और इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल वी है, या इसको हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ से ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगी, तो करंट इस तरह से इसमें मूव करेगी। कंडक्टर में करंट जब इसमें जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट करेंगे उसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, व्हेन एनी कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी देन अ स्मॉल वेरी स्मॉल एंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज प्रोवाइडेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर के पास जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली बहुत स्मॉल वेलोसिटी से मोशन करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर वेलोसिटी बहुत स्मॉल है तो उस स्मॉल वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो है 0.01 मीटर पर सेकेंड और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 0.011 मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों स्पीड्स में कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, इसलिए स्पीड को हमने क्या कह दिया, कॉन्स्टेंट स्पीड कह दिया। ओके, इट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, और इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। इसको वी डी से शो किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की जो ये स्पीड होती है उसको हम वी डी से शो करते हैं। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए हमने मान लिया है लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन। ये जो कंडक्टर माना गया था डायग्राम में, ये जो कंडक्टर बनाया गया था, इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कितने मान लिए, एन मान लिए। अब ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ। तो यानी इस कंडक्टर का पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। अब अगर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है तो पूरा वॉल्यूम कितना है, ए एल है। तो ए एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एन इंटू ए एल। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एन इंटू ए एल। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम पढ़ चुके हैं कि क्यू इज इक्वल टू होता है एन इंटू ई, एन का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन टोटल वॉल्यूम, और ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल वॉल्यूम इंटू चार्ज ऑन, यहाँ पे लिखना चाहिए चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इस इक्वेशन से हमको पता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन टोटल वॉल्यूम कितना है अपने पास, एन ए एल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू ए एल, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ई होता है। तो Q इज इक्वल टू आ गया एन ए एल इंटू ई, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब करंट का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अब हमें क्यू की वैल्यू तो पता है, लेकिन यहाँ पे ये जो टाइम है वो टाइम कौन सा है, ये वो अलग कौन सा टाइम है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, एल। अच्छा, यहाँ पे जो कंडक्टर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और जब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो इस केस में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस केस ही में तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जब एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना हो, ज़ीरो। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का यही तो मतलब हुआ कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। अगर एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो है तो हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वीडी स्पीड से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन वीडी स्पीड से यहाँ पे मूव कर रहा है और एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, एल। और टाइम उसको मान लिया कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना लगा, टी। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टी इज इक्वल टू आ जाएगा एल अपॉन वी डी। अब यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो तो हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन से, एन ए एल इंटू ई है, ये रख दी। अब टाइम क्या निकाला, वी डी इज इक्वल टू एल अपॉन टी, तो टी कितना आ गया एल अपॉन वी डी, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो गया और ये वी डी चला गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आई का फॉर्मूला आ गया वी डी ई एन ए। वैसे तो एन ई ए वी डी, अब मल्टीप्लाई ये तो कैसे भी लिख सकते हैं, याद करने के लिए लिख दिया इसको वी ना, ये क्या है वी एन ए मतलब ना, तो आई इज इक्वल टू वी ना, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ओके। अब इसकी हेल्प से हम ओम्स लॉ को कैसे डेरिवेट कर सकते हैं वो देखिए। तो ओम्स लॉ के डेरिवेशन के लिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई करा है, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान लिया कि एक्सेलरेशन सॉरी इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, जीरो, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू टी हो जाएगा, यू तो जीरो है, ओके। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ सारे बच्चे क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया गया था एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होता है। इसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, ये क्यू क्या है, चार्ज है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा माइनस ई। माइनस क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या है कैपिटल ई, वैक्टर क्वान्टिटी होता है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, इस पर वैक्टर अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एफ वैक्टर इज इक्वल टू एम ए वैक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वैक्टर, तो क्या हो जाएगा एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, क्यू की वैल्यू कितनी रख दी माइनस ई, तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ गया माइनस ई बाई एम, इसको हमने मान लिया है थर्ड इक्वेशन। अब जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से जब कोलाइड करने जाएगा, मूव करेगा, तो कोलिजन होगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो उसको जाने में टाइम तो लगेगा कुछ ना कुछ, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराना चाहता है, तो टकराने के लिए जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं लैम्डा, लैम्डा का मतलब होता है फ्री पाथ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो उसको कोई ना कोई टाइम लगेगा पहुंचने में, उस टाइम को हम क्या कहते हैं टाऊ, टाऊ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब रिलैक्सेशन का टाइम का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जब पहुँचा नहीं, तो अभी तक इसका इससे कोलिजन नहीं हुआ, जब इनका आपस में कोई कोलिजन नहीं हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों कैसे हैं रिलैक्स हैं, ठीक है। जब इनका कोलिजन हो जाएगा तब वो रिलैक्स नहीं होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, ओके। अब इक्वेशन सेकंड के हिसाब से, बाय इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन देखिए सेकंड लिखा है वी इज इक्वल टू ए इंटू टी। अब यहाँ पे वी की जगह हम क्या रखेंगे वी डी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करता है, तो ये हो गया वी डी। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं थर्ड इक्वेशन से, ये कितनी है ई ई बाई एम, तो ये आ गया ई ई बाई एम माइनस के साथ, और टाइम की जगह कौन सा टाइम आएगा टाउ आएगा, ये आ गया। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड जैसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं या मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू टाउ माइनस हट गया। अब इस चीज़ को हम यूज़ कहाँ करेंगे, जो अभी हम डेरिवेशन कर चुके हैं पहले उस चीज़ में हम इसको यूज़ करेंगे, यानी आई इज इक्वल टू वीणा, आई इज इक्वल टू वीणा में हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए आई इज इक्वल टू हमें पता है वीणा होता है, तो वी डी की वैल्यू है अपने पास ई बाई एम इंटू टाउ, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। देखिए एन ई ए ये तो एज इट इज़ रहेगा, और एन ई ए जब एज इट इज़ रहेगा तो वी डी की जगह कितना रखना है अपन को ई ई टाउ बाई एम, तो ई ई टाउ बाई एम रख दिया, ओके। तो ये देखो ई इंटू ई क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, तो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम इंटू कैपिटल ई, यहाँ कैपिटल ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ अब देखते हैं आगे, तो आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम, ये तो एज इट इज़ रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ठीक है। ये लेंथ कौन सी है, जितने पोर्शन में ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन उस कंडक्टर की उतनी लेंथ, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई एल, या तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई, ये V को एज इट इज रखा, एम इंटू एल का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये इक्वेशन आ गई।
अब यहाँ पे देखिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा किसी कंडक्टर का, तो ना उसकी लेंथ को चेंज होना है, ना उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज होना है, ना रिलैक्सेशन टाइम को चेंज होना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट। अब मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कॉन्स्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कंडक्टर को चेंज नहीं किया, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब अगर ये पूरी चीज़ कांस्टेंट हो गई, तो हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, और V प्रोपोर्शनल टू I ही क्या होता है हमारा बच्चों, ओम्स लॉ होता है, ठीक है। तो ये तो मैजिक हो गया कि हम ड्रिफ्ट स्पीड से स्टार्ट करे थे और कहाँ पहुँच गए, ओम्स लॉ तक पहुँच गए। लेकिन ये चीज़ वैलिड कब है, ओनली फॉर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब प्रपोर्शन हटा के एक कॉन्स्टेंट यूज़ कर सकते हैं, तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा था कि कोई एक छोटा सा कॉन्स्टेंट यूज़ कर लिया, इसको हमने क्या बोल दिया आर। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहाँ आर क्या है, रेजिस्टेंस, या इसी चीज़ को हम मतलब कॉन्स्टेंट कहते हैं। और इसका नाम क्या होता है, सॉरी कॉन्स्टेंट की स्पेलिंग गलत होगी, कॉन्स्टेंट, ठीक है। आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।